जेके न्यूज़ पॉइंट का ये लाइव इंटरेक्शन देख रहे हैं आप, मैं हूँ प्रियंका आपके साथ। और मैं हूँ आपके साथ जसलीन कौर। तो चलिए इस लाइव इंटरेक्शन में सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि आज एक बेहद ही दुखद इंसिडेंट जो हुआ कश्मीर के, साउथ कश्मीर के काजीकुंड में, एक बीजेपी के सरपंच को गोलियों का निशाना बनाया आतंकियों ने। और वहीं आपको बता दें 48 घंटे में ये दूसरा हमला था। इससे पहले एक पंच काजीकुंड में ही अखरन आरिफ अहमद, जिन काजीकुंड का रहने वाला था, उनको भी आतंकियों द्वारा निशाना बनाया गया था। अब 48 घंटे में आज सुबह दूसरी बार सरपंच को काजीकुंड में ही निशाना बनाया गया। पर सवाल ये है कि सिक्योरिटी की जिस तरह से मांग रहती है और उसके बाद भी सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की जाती है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है, जसलीन, जब सरपंच होते हैं या सरपंच होते हैं वो लोगों के लिए काम करने के लिए आगे आते हैं, और जब उनके साथ ऐसा होता है बेहद ही दुखद है। बिल्कुल प्रियंका, क्योंकि ये अगर हम देखें तो कि पिछले 2 महीने से लगातार जो है इस तरह की वारदातें सामने आ रही हैं, और लगातार हर बार जो है यही बताया जाता है कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी की कहीं ना कहीं खामियां जो है वो नज़र आती है। अगर हम कहीं शायद एक इंसिडेंट से जो है नहीं चला, या दूसरी बार लगातार जब इस तरह के एक साथ जो है इतने सारे इंसिडेंट्स, इस तरह बार बार जो भी बीजेपी की पंच हो या सरपंच हो उस पर लगातार आतंकी जो है हमला कर रहे हैं, उसके बावजूद जो है सरकार की तरफ से कहें कि सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ठोस कदम जो उठाना चाहिए था वो कहीं ना कहीं जो है लैक होता हुआ जो है नजर आ रहा है। तो बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से वहाँ के लोगों का भी यही आरोप है कि सरकार ने लापरवाही बरती है, जो बीजेपी के कार्यकर्ता, उनके पंच सरपंच है, उनको सिक्योरिटी देने की ज़रूरत थी जो उनको नहीं फरहाम हुई, जिसकी वजह से ये मामले एक के बाद एक दोहराते जा रहे हैं। तो सिक्योरिटी का बहुत बड़ा मुद्दा है जो सरकार को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे फटाफट से। आपको बता दूं इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट जो सामने आ रही है वो रहलान नवनी तक है, मेंढस हैवी शेलिंग शुरू हो गई है। वहीं कोरोना वायरस के हवाले से बात करें तो आज 499 नए पॉजिटिव केसेज जो हैं जम्मू कश्मीर में सामने आए। वहीं दूसरी ओर अगर रिकवरीज की बात करें तो रिकवरी भी आज काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, 464 दूसरी ओर जो है रिकवरीज भी हुई हैं। तो वहीं बात करें लगभग 500 के करीब आज नए पॉजिटिव केसेज आए हैं, 499। और सबसे ज़्यादा बात करें तो एक बार फिर से श्रीनगर का आंकड़ा हमेशा सबसे ज़्यादा रहता है, आज भी श्रीनगर से 113 जो हैं पॉजिटिव केसेज सामने आए। बारामूला की भी बात करें तो बारामूला से भी 44 नए पॉजिटिव केसेज सामने आए। पुलवामा की बात करें तो 9 पॉजिटिव केसेज जो है पुलवामा से भी सामने आए हैं। वहीं कुलगाम से 20, शोपियां से 8, अनंतनाग से 73, बड़गाम से 52, कुपवाड़ा से 17, बानीपुरा से 49, गांधीबल से 41, जम्मू से 51 और राजौरी से 5 नए मामले सामने आए। जी बिल्कुल। और वहीं अगर रामबन की बात करें तो आज रामबन से 1 पॉजिटिव केस सामने आया है। और उसी के बाद अगर कठुआ की बात करें तो कठुआ से 6 पॉजिटिव केसेज सामने आए। उधमपुर की बात करें तो 2 नए पॉजिटिव केसेज उधमपुर से भी सामने है। सांबा की बात करें तो 5 पॉजिटिव केसेस सांबा से सामने हैं, जिनमें 5 की जो है ट्रेवल हिस्ट्री बताई गई है। और वहीं डोडा की बात करें तो अच्छी खबर है, रियासी से भी कोई पॉजिटिव केस नहीं आया, और अगर डोडा की भी बात करें तो वहां से भी कोई भी पॉजिटिव केस जो है सामने नहीं आया। वहीं अगर बात करें किश्तवाड़ की तो आज किश्तवाड़ से 2 पॉजिटिव केसेस सामने हैं, जिसमें से 1 की जो है ट्रेवल हिस्ट्री बताई गई है। तो बिल्कुल कमेंट्स मेंशन कर देते हैं, क्योंकि मेन मकसद हमारा लाइव इंटरेक्शन का आने का यही होता है। तारिक गनई, यासरू, मीर तंजीर के साथ यासिर चौहान। तो हम एक सवाल आप सभी से पूछते हैं, क्योंकि जिस तरह से घाटी में एक के बाद एक इस तरह की घटना सामने आ रही है जो बेहद ही दुखद है, जो रिप्रेजेंटेटिव, जो लोगों की मदद करने के लिए, उनके काम करने के लिए आगे आते हैं, उसके बाद उनको जान गंवानी पड़ती है, और इसके हवाले से सिक्योरिटी पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सिक्योरिटी के हवाले से आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखना ना भूलिएगा। और फिलहाल जो हमारे साथ व्यूअर्स जुड़े हुए हैं मैं मेंशन कर देती हूँ, जमीला मंजूर, अशलाक अहमद, तारिक गनई, सजाद राठर और मेरी तंजील अब्बास अली हमारे साथ हैं। जी बिल्कुल। तो दूसरी ओर मैं आपको रिकवरीज बता देती हूँ, जहीं आज 464 जो नई रिकवरीज आई हैं उसमें से अगर हम बात करें तो 131 रिकवरीज आज श्रीनगर से देखी गई हैं। और वहीं अगर बात करें बारामूला से भी 27 रिकवरीज आई हैं, नहीं सामने है। कुलगाम की बात करें तो कुलगाम से भी 40 रिकवरीज आई हैं। और वहीं अगर बात करें उधमपुर से भी आज 18 रिकवरीज आई हैं।
कठुआ की बात करें तो कठुआ से भी आज 28 सामने आई, वही बड़गाम से आज 50 जो है रिकवरीज जो है सामने आई हैं। तो बिल्कुल उसी लगातार कोरोना वायरस के जो केसेस बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए ज़रूरत है एहतियात बरतने की। और वहीं आपको अभी तक जितनी अपडेट्स थी वो हम आपको अब तक पहुंचा रहे थे। और वहीं जो व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपका क्या सोचना है, आपका क्या टेक है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखना ना भूलें। कोशिश रहती है छोटी से छोटी वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट दें, ताकि क्योंकि अभी तक एक साल से ज़्यादा होने को आया है, अभी तक 4G रिस्टोर नहीं हुआ है जम्मू कश्मीर में। आपको बहुत दिक्कत आती होगी लाइव देखते हुए, बफरिंग होती होगी वीडियो की, उसको देखते हुए हम कोशिश करते हैं ड्यूरेशन छोटा रखें, ज़्यादा अपडेट्स दें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी इशू आप हाईलाइट जेके न्यूज़ पॉइंट के थ्रू करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखिएगा, हम आपका आपके सभी कमेंट्स पढ़ेंगे। बिल्कुल, तो जाते जाते मैं आपको यहाँ का एक छोटा सा नज़ारा जो है जम्मू कश्मीर का, जम्मू का स्पेशली बोलूँ तो वो दिखाना चाहूँगी जाते जाते। तो जिस तरह से जम्मू कश्मीर की बात करें, टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, या वैसे भी सारी दुनिया जानती है कि जम्मू कश्मीर बेहद ही सुंदर है, साथ हम कोशिश कर रहे हैं कुछ ब्यूटीफुल आपको जम्मू से दिखा सकें, कुछ दृश्य को देख के आपका मन खुश ज़रूर हो। और इसी तरह से आप देख सकते हैं नॉर्मलसी भी ट्रैक पर आ रही है, धीरे धीरे लोगों की जो ज़िंदगी है पटरी पर आ रही है, लोग अब घरों से बाहर निकल रहे हैं। जम्मू में हालांकि वीकेंड लॉकडाउन ही है, जो सन्नाटा है वो सिर्फ फ्राइडे शाम 6 बजे से मंडे सुबह 6 बजे तक देखने को मिलता है, पर बाकी दिन अगर बात करें इसी तरह की नॉर्मलसी देखने को मिलती है। वहीं अगर बात करें चाहे जम्मू हो चाहे कश्मीर, दोनों ही बहुत सुंदर जगह हैं। और स्पेशली मैं लद्दाख भी मेंशन करना चाहूँगी, लद्दाख भी बेहद खूबसूरत है। तो दुनिया के किसी कोने से भी लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो ये जान लीजिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। कभी भी आप घूमने का ट्रिप बनाएं तो जम्मू कश्मीर आना मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, देखते रहे जेके न्यूज़ पॉइंट और इसी तरह से जेके न्यूज़ पॉइंट को अपना ढेर सारा प्यार देते रहिएगा। नमस्कार।